इसमें एक्सपायरी डेट है जनवरी 2021, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि 12 महीने से ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना है। अभी मैंने घर लेकर गया, बच्चों खिलाया तो उनको उल्टी और मतली जैसे उनको फीलिंग पैदा हुई जी, तो मैंने इनको लाके इनको यहाँ पे दिया। अपने बच्चों की फरमाइश पर एक पिता जब उनके लिए आइसक्रीम लेकर आया तो उसे पता नहीं था कि वो अपने हाथों से ही अपने लाडलों को ऐसी चीज खिला रहा है जो उनके लिए घातक हो सकती है। दरअसल ये मामला सिवनी का है, जहाँ पर डेयरी शॉप से खरीदी गई एक आइसक्रीम ने एक घर के बच्चों को बीमार कर दिया, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुकी थी। ग्राहक के मुताबिक आइसक्रीम का पैकेट तो फ्रेश दिख रहा था, लेकिन बॉक्स खुलते ही कुछ देर बाद ही आइसक्रीम खराब और बदबूदार हो गई, जिससे बच्चों को नुकसान हुआ। क्या शिकायत है? साहब, ये मैंने आइसक्रीम लिया था, ये दिनसा कंपनी की है, रबड़ी मलाई जी। इसमें एक्सपायरी डेट है जनवरी 2021, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि 12 महीने से ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना है। अभी मैंने घर लेकर गया, बच्चों खिलाया तो उनको उल्टी और मतली जैसी उनको फीलिंग पैदा हुई जी जी, तब मैंने इनको लाके इनको यहाँ पे दिया। तो ये डेट इनकी है जनवरी 2022 में तक की ही बेचने की है, इस्तेमाल करने की, उसके बाद भी ये बेची जा रही जी। कौन सी कंपनी की है? ये दिनसा है, दिनसा कंपनी जी जी। किस शॉप से लिए है आपने? ये अंबर डेयरी से लिया मैंने, पटंगी रोड से जी। तो क्या बोले उन्होंने फिर आपने यहाँ पे बताया? वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। उधर इस मामले में जब डेयरी संचालक से बात की गई तो उसने कंपनी के सिर पर ही इसका ठीकरा फोड़ दिया और कहा कि उन्होंने ही ऐसा माल सप्लाई किया। मामले को लेकर डीलर भी सवालों पर ढुलमुल जवाब देता नजर आया। आए थे आबिद भाई ने आपके यहाँ से आइसक्रीम लेके गए थे, और वो आइसक्रीम में बच्चों ने जब खाए तो उनका जी मतलाने लगा जी। उन्होंने शायद पैकेट भी आपके पास लाए थे, क्या देखा क्या समझा आपने उसमें? ये आइसक्रीम जो आई है बाकी आइसक्रीम के साथ आई है जी, जो सही डेट की है, बस एक ये पैक है जो जिसमें एक्सपायरी डेट एक्सपायर हो गई है, और इसका पक्का बिल है मेरे पास इनका, जो डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें जिस डेट में दिए हैं जी जी, वो डेट अभी की है 3/22 की, मगर ये एक्सपायर हो गई जनवरी 22 में। बिल दिखा पाएंगे आप जी? ये उसमें ये है, ये मेंशन आर मलाई, ये वाली आइसक्रीम एक पीस, बाकी ये सब सही डेट। मसला क्या है इसमें, क्या हो पाएगा बताएं? नहीं, गलती हो गई, लेकिन आप तो पूरे जिले भर में डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, जिले भर में बांटते होंगे, तो किस तरीके से लेते हैं फिर इस मामले को आप? पुरानी पैकिंग आपके पास पहले का स्टॉक रखा हुआ है या नया पैकिंग आई है? यानी कंपनी की भेजी हुई पैकिंग है, इसमें आपका कहीं से कुछ वो नहीं है, कंपनी ने जो भेजा है। इस पूरे मामले की शिकायत पंजाब केसरी के संवाददाता द्वारा फूड विभाग के अधिकारियों को कर दी गई है। अब देखना है कि इस बड़े खुलासे को फूड विभाग कितनी गंभीरता से लेता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अब्दुल काबिज की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।